गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। बेटा 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, रिलेशन हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे बेटा फंक्शन। पहले समझे फंक्शन क्या। तो फंक्शन क्या होता है? ए रिलेशन क्लास 11। सो क्लास 11 वी डिस्कस अबाउट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है उस पर बात करते हैं। ए रिलेशन A relation f from set A to set B is set to be function if every element of set A has one as one and only one, one and only one as in set B, n set B is set to be function. n set अब इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन है तो फर्स्ट एलिमेंट बेटा टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर में कभी भी सेम नहीं होगा। अगर बेटा फर्स्ट एलिमेंट टू अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर पेयर में सेम हो जाए तो इट इज ए ओनली रिलेशन नॉट ए फंक्शन। बेटा ओनली क्या होगा? रिलेशन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लीजिए। राइट किया 1 2 4 3 6 इन दिस। तो बेटा इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट सभी के फर्स्ट पे कंसीडर करें, 1 2 3 डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया बेटा? फंक्शन। दूसरी बात, अगर सपोज कीजिए ऐसा रहे 1 2 3 3 3, मतलब कि फर्स्ट सेकंड एलिमेंट सभी में 3 3 3 आ गए, नो प्रॉब्लम। तब भी बेटा ये क्या होगा? फंक्शन। लेकिन अगर बेटा फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट आ गया, लाइक दिस 1 3 1 4, फिर राइट किया 5 10, फिर राइट किया 6 14, कि यहाँ पे क्या देखा डिफरेंट ऑर्डर पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इट इज ए ओनली रिलेशन नॉट ए फंक्शन। तो आप इसके अकॉर्डिंग तो ये बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए। Every relation is not a function. ठीक है, मतलब function है तो relation जरूर होगा, लेकिन every relation हमारे पास function हो नहीं सकता है और ठीक है। अब बेटा इसमें भी वही 3 topic, domain, range और problem। वही जो relation में था वही चीज पे बेटा होगी। तो देखिए जरा उसमें हम बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन।
थ्री टॉपिक है, क्या है डोमेन ऑफ द फोर्स, वही डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे डोमेन। सेकेंड एलिमेंट के कनेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा रेंज, ठीक है। और जो भी वैल्यू कंडीशन हमारे पास आएगी उसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ डोमेन का मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज नोन एज, ठीक है। फिर किस पे बात करेंगे रेंज, रेंज क्या होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज नोन एज नॉन एज फोर्स। फिर किस पे बात करते हैं फोर, इफ फंक्शन कैन बी डिफाइंड दैट सो दैट इट हैज टू बी, इफ फंक्शन डिफाइंड दैट सो दैट इट हैज टू बी देन सेट बी is known as, ठीक है। तो ए सी बी में होगा तो टोटल बी सेट क्या होगा, जैसे समझ लो ये मान लीजिए कोई फंक्शन है ए सी बी में डिफाइंड है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वन का रिलेशन वन से है, टू का टू से, थ्री का थ्री से, फोर का फोर से, फाइव का फाइव, तो ये जो टोटल होगा ये सेट, ये क्या होगा डोमेन, ये टोटल बी सेट क्या हो गया डोमेन, लेकिन जो एलिमेंट ए से रिलेटेड है वही केवल क्या होंगे रेंज। ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि रेंज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, रेंज सबसेट इक्वल टू क्या होगा कोडोमेन, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज कैन बी प्रेजेंट इन कोडोमेन। तो आप बोल सकते हैं कि रेंज अगर है तो कोडोमेन भी 100% वो होगा, ठीक है। तो ये था कोडोमेन और रेंज की बात कर रहे थे, अब हम किस पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए जरा क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम चल रहे हैं फंक्शन पे। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात, दस पहला फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव, कोई भी फंक्शन है इस तरह कांस्टेंट नंबर के प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी फंक्शन ए से बी में डिफाइन केवल कांस्टेंट, एग्जांपल जैसे मैं बोला एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने टेबल बनाई, ये एक्स है यहाँ पे आपका माइनस, तो एक्स ही नहीं है, थ्री है,
एक्स की वैल्यू कितनी माइनस 3 आएगा, जो रखेंगे 3 आएगा, 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 3 आएगा, ये फिक्स है। तो जब इसके लिए ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये बना कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये है x x plus y और this point 1 2 3 points minus 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 3 points 1 2 3 minus 1 minus 2 और क्या हो पहला पॉइंट में माइनस 2 क्या था दैट इज माइनस 1 पे 0 पे 3 1 पे 3 2 पे वी कैन जॉइन दिस टाइम वी गेट ए लाइन पैरेलल टू एक्सिस we get a line which is parallel to axis this graph for a constant function second mein baat karte hain identity function function mein is framed around types of function bahut sare function types hai second topic kya hai second is given identity function samajh lo if any function is can be defined from set a to kya hai set सेट ए टू क्या है बेटा सेट ये अब इस पे हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तो समझे सेट ए टू बी में बात करेंगे तो दिस इज द आईडेंटिटी फंक्शन मींस रेंज एंड वैल्यू होता है दैट इज द fx इक्वल टू क्या होता है आप देखो इसके लिए अगर हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे समझे जरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये है x ये क्या है x का माइनस 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 जीरो जीरो वन वन बेटा ये रेंज और कोडोमेन सेम ये आते अब इसके जब ग्राफ की रिप्रेजेंट करें ये हमारे पास x x प्लस y कोडोमेन ये वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री 1, 2, minus 1, minus 2, minus 2. पहला पॉइंट है minus 2 पे क्या होता है minus 2. क्या minus 1 पे minus 2. क्या 0, 1 पे 1, 2 पे 2. So we get a straight line which can be passing through from origin. So this function is a for constant function and this function is a identity function. Okay, identity function means both range and domain both are same. For constant function hai, only domain can be changed but range be fixed. So students of class 11 today we explain only two types of a function. First that is a constant function. Second that is an identity function. So student in other types of function we discuss on next day on next day. Okay, so thank you so much. We discussed other topic on next day. Thank you so much.